हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं साइंस 10th क्लास की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, इसके अंदर हमें पढ़ना है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर हम इन दो चीज़ों को सही से देख लेते हैं, तो हम मेटल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है वो ले सकते हैं, कि डिस्टिंक्शन भी कर सकते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की होती है और किस प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नॉन मेटल की होती है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा रहेगा डिस्टिंक्शन, डिफ्रेंशिएट करना किसके बीच में, मेटल के बीच में एंड नॉन मेटल के बीच में। लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन रियल है क्या। तो बच्चों, हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था किनके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। किनके बारे में पढ़ा था, एलिमेंट्स के बारे में। और इन रियल एलिमेंट्स क्या हुआ करते थे, प्योर सब्सटेंस, मतलब हमारी चारों तरफ ना बहुत सारे क्या हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट। हमारे चारों तरफ क्या है, बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, जिनमें से कुछ क्या होते हैं, प्योर, और कुछ क्या होते हैं, मिक्सचर। कुछ तो प्योर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। जो प्योर सब्सटेंस हैं वही किनका फॉर्मेशन करते हैं, 9th में हमने पढ़ा था, जिनके एटम्स क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने होते हैं। जो किन से बने होते हैं बेटा, सेम टाइप ऑफ एटम से, मतलब जिनमें एक ही प्रकार के एटम्स यूज किए जाते हैं, वो क्या थे आपके पास, प्योर सब्सटेंस थे, या फिर जिनको हम क्या कहते थे, एलिमेंट्स कहते थे। तो बच्चों, ये एलिमेंट्स जो हैं ये दो प्रकार से क्या किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। एक को कहा जाता है मेटल, एक को क्या बोलते हैं, मेटल। और जो सेकंड है वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, मतलब प्योर सब्सटेंस जो हैं वो आपको कितने टाइप के मिलेंगे, दो प्रकार के मिलते हैं, या तो वो मेटल्स हो सकते हैं या वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो आज हमें यही पता करना है कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस जो है वो क्या होता है। सही है बात, समझ गए बात है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ बातें बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम क्या करते हैं, चार्ज निकालते हैं, और हमने इनके बारे में भी बात की थी कि वैलेंस सेल में, मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो ये एक नई डेफिनेशन है जिसको हम आज के टाइम में पढ़ते हैं, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्टिंग्यूज करते हैं एक नई डेफिनेशन को लेकर के। तो आइए देखिए कि मेटल्स जो हैं वो क्या हैं। तो देखिए बच्चों, जो सबसे पहला है हमारे पास वो क्या है, मेटल्स के बारे में, कि मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है मेटल्स, मेटल्स क्या है, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं विच हैव, जो क्या रखते हैं, विच हैव वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स, वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, इन देयर आउटर मोस्ट सेल, कि वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में आपको क्या मिलते हैं, एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं। तो जिनके आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में आपको क्या मिलते हैं बच्चों, जिनमें आपको एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन मिले, उन्हें क्या कहा जाता है, मेटल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको, मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बात की सोडियम के बारे में, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, फर्स्ट के अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकंड में कितने, सेकंड सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तरीका बताया था ना मैंने, पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 या 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, 10th तक 8 के बारे में ही पढ़ते हैं। ये 2 हैं, आफ्टर दैट इसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पर आपने देखा कि आउटर मोस्ट सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आई बात है। अच्छा, यहीं पर मान लीजिए हमने बात की किसके बारे में, मैग्नीशियम के बारे में, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, तो उसमें क्या होगा, 2, 8, और आफ्टर दैट कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, बाहर की सेल में,
आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा मैं अगर एल्यूमिनियम के बारे में बात करूँ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना, 13 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2, 8 और कितने होंगे, 3 होंगे। इसका मतलब इसमें नंबर कितने हैं लास्ट में, 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाए जाते हैं। कुछ समझ में आई बात है? तो इसका मतलब कि हर एक में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। समझ में आई बात है? तो मेटल्स क्या होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में आपको क्या मिलते हैं, 1, 2 या फिर कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मेटल्स कहा जाता है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो आइए चलते हैं बच्चों हमारे अगले पॉइंट की तरफ कि नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं। इस डेफिनेशन को अच्छे से आप नोट करना, पूरी क्लास के पूरे वीडियो के आप लेक्चर जो हैं वो अच्छे से बनाना, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है नॉन मेटल्स, किन के बारे में है, नॉन मेटल्स के बारे में है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या हैं, देखिए जरा, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स होते हैं, दोज एलिमेंट्स विच हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, जिनमें क्या पाए जाते हैं, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल, किसमें पाए जाते हैं, उनकी वैलेंस सेल के अंदर, ठीक है ना। मतलब जो लास्ट सेल होती है उनमें आपको क्या मिलता है, वैलेंस सेल के अंदर आपको या तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं या क्या मिलते हैं, 5 मिलते हैं, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन मेटल्स कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल, जैसे कि सबसे पहले हमने बात की है बच्चों कार्बन के बारे में, कार्बन का नंबर कितना होता है, एटोमिक नंबर 6 होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं कार्बन के अंदर, पहले में कितने, 2, दूसरे में कितने आएंगे, 4, मतलब आउटर मोस्ट सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मिले, क्लियर। अगर मैं यहीं पर नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, 7 होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 और इसमें कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में मिलते हैं आपको। यहीं पर अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें, फ्लोरीन की बात कर लें, ऑक्सीजन में क्या मिलता है आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और आफ्टर दैट कितना होता है, 6, इसमें क्या होता है, 2 और कितने, 7। तो आउटर मोस्ट क्या है, ये वाला सेल है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन कितने मिले, इसमें मुझे मिले हैं 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर, इसमें हमें क्या मिले हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं। समझ में आई बच्चों बात ये, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। ये सारे के सारे किन का फॉर्मेशन करते हैं, नॉन मेटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हैं बेसिक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन किसके बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, क्लियर। तो आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जिसमें हमें क्या करना है, डिस्टिंक्शन करना है किसमें, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, किन को देख करके, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमें क्या करना है, उनके बीच में डिस्टिंक्शन करना है। तो चलिए तो अगला पॉइंट है बच्चों हमारे पास डिफरेंस बिटवीन, अगला पॉइंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब किसके बेस पे है ये, अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, किन के बेस में है बेटो बच्चों, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे है। अब बात ये है कि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि उनका अपीयरेंस क्या है, वो दिखते कैसे हैं। समझ में आई बात ये, उनका अपीयरेंस क्या है, हमें फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना है कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा है, मेल्टिंग एंड किन के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। हम बात करेंगे उनके स्टेट के बारे में कि वो सॉलिड हैं या लिक्विड है, कि मेटल सॉलिड होते हैं या लिक्विड पाए जाते हैं। समझ में आई बात है? अच्छा ये अपीयरेंस के बारे में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, स्टेट के बारे में, उनके कलर के बारे में, ठीक है ना, या फिर उनकी चमक के बारे में, लस्चर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है।
एक बात याद रखना, इस चैप्टर में एक्सेप्शंस बहुत हैं, मतलब विवाद बहुत हैं, समझ रहे हो ना बात ये? मतलब कि एक रूल आएगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन एक दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो उसको नहीं मानेंगे। तो आप कॉपी हाथ में रखना, पेन हाथ में रखना, इनको साथ के साथ नोट करते रहना, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे डिस्टिंग्यूज करना है, किनको करना है बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। तो हमने ना एक तरफ क्या ले लिए, मेटल्स ले लिए, एक तरफ क्या है हमारे पास, मेटल्स हैं, और फिर हमने क्या कर लिए, दूसरी तरफ नॉन मेटल्स ले लिए। नॉन मेटल्स के बारे में ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को नोट करना, हर एक चीज़ को आप इम्पोर्टेंटली सही तरीके से जो है वो लिखते रहना। तो देखिए कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगर हमें क्या करना है, डिस्टिंक्शन करना है, किसके बेस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है स्टेट। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है आपके पास, स्टेट आता है। स्टेट का मतलब कि सोलिड है, लिक्विड है, या फिर क्या होते हैं, गैस होते हैं। तो क्या है कि बच्चों, जितने भी मेटल आप देखते हो ना, मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सोलिड होते हैं। मेटल्स आपको क्या पाए जाते हैं, सोलिड पाए जाते हैं, ठीक है ना? मेटल्स आपको नॉर्मली क्या पाए जाते हैं, सोलिड पाए जाते हैं, समझ में आई बात ये? लेकिन एक्सेप्शन है, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट मरकरी। एक्सेप्शन देख लीजिए क्या है, एक्सेप्शन मतलब विवाद, किसको छोड़ करके, मरकरी को छोड़ करके, ठीक है ना? HG जिसको कहा जाता है, मरकरी जो है वो क्या पाया जाता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या पाया जाता है आपको, लिक्विड मिलता है रूम टेम्परेचर पर। मतलब क्या कि मरकरी क्या है, एक मेटल है, मरकरी क्या है, एक मेटल है, लेकिन फिर भी मेटल है, फिर भी ये क्या है, मरकरी लिक्विड पाया जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, समझ में आई बात ये? तो हम क्या बोलते हैं कि अगर स्टेट की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली आपको कैसे मिलते हैं बच्चों, लिक्विड मिलते हैं, लेकिन किस, सॉरी, सॉलिड मिलते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, मरकरी को। या फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास जो है गैलियम। क्या है गैलियम, मतलब गैलियम और मरकरी दो ऐसे एग्जांपल हैं जो मेटल होते हुए भी क्या पाए जाते हैं, सोलिड लिक्विड पाए जाते हैं, लेकिन सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, सोलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है ना? लेकिन यहीं पर अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। अगर हम किन की बात करें नॉन मेटल्स के बारे में, तो क्या था, नॉन मेटल्स की स्टेट्स की बात करें तो क्या मिलती है बच्चों, इनकी तीनों स्टेट आपको मिलती है। मतलब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सोलिड भी होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, सोलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, और क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना? जो क्या है आपके पास, मेटल्स हैं, इनका सिर्फ क्या है, एक ही स्टेट मिलता है आपको। कहाँ थे हम कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी क्या मिलती हैं आपको, तीनों स्टेट मिलती हैं, वो लिक्विड भी हैं, सॉलिड भी हैं, और क्या है बच्चों, गैस भी है। फॉर एग्जांपल देखिए आप, जैसे कि मैंने क्लोरीन बोला है ना, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये सभी की सभी गैसियस फॉर्म में पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों, कौन से हैं, नॉन मेटल। क्लियर बात है? अच्छा, अगर लिक्विड की बात करें तो आपको क्या मिलता है, केवल एक ही एग्जांपल मिलता है जो है ब्रोमीन। क्या है ब्रोमीन, जो है ब्रोमीन Br2 हमेशा कौन सी फॉर्म में मिलता है आपको, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, इसका सिर्फ कितना है, एक एग्जांपल है। अच्छा, अगर गैसियस फॉर्म की बात करें तो 11 ऐसी गैसेज होती हैं, 11 ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन अगर सॉलिड की बात करें तो जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, बाकी जितने भी बच गए ना, मतलब रिमेनिंग, किन में से रिमेनिंग, जो नॉन मेटल हैं उनमें से जितने भी बच जाते हैं वो सारे के सारे क्या बचते हैं, सोलिड नॉन मेटल्स है। क्लियर है ना? मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं, अगर हम किसकी बात करें, पीरियोडिक टेबल की, ठीक है ना? तो पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब मैं मेटल्स नहीं बता रहा, एक बार ग्रुप्स के बारे में बात चल रही है, पीरियोडिक टेबल आपको कुछ ऐसा मिलता है जहां पर क्या होते हैं, दो ग्रुप यहां होते हैं,
फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 ग्रुप आते हैं, दो ग्रुप ये हैं पहला दूसरा, फिर ये 10 तक चलते हैं, आफ्टर दैट कितने होते हैं 6 ग्रुप और होते हैं बेटा। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जैसे वो जितने आते हैं ना सोडियम पोटासियम लिथियम बेरिलियम बोरान जितने भी हैं, नोट बोरान, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स पाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है डी ग्रुप, ये भी क्या पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, दिख तो रहा है ना ये नीचे का पोर्शन। आफ्टर दैट क्या है कि ये जो हैं इन्हें क्या कहते हैं अपन, नॉन मेटल्स। इनमें से क्या हैं, नॉन मेटल्स है, मतलब नॉन मेटल सिर्फ इतने हैं, ये भी मेटल हैं, ये भी मेटल हैं, ये भी मेटल हैं, और कुछ और एलिमेंट बच जाते हैं वो भी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि मेटल्स ज़्यादा हैं नॉन मेटल से हमारे चारों तरफ, तो सही है ये। ठीक है ना, नॉन मेटल्स काफ़ी कम हैं, लेकिन उन्हीं नॉन मेटल में से 11 जो हैं वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, 1 जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, बाकी जो है वो सल्फर फास्फोरस कार्बन ये कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो क्लियर, तो ये था फर्स्ट टाइप हमारे पास जो किसके बारे में था, स्टेट के बारे में था। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है ना, आइए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। हर एक चीज को नोट करना, मैंने जैसा कि पहले ही कहा है कि एक्सेप्शन जो है वो ज्यादा जरूरी हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर एक्सेप्शन के बारे में। चलिए, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बच्चों हमारे पास लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन, चमक। कभी आपने देखा है कि सोना सिल्वर जो है, गोल्ड जो है, एल्यूमिनियम है, मर्करी है, क्या इनमें कभी देखा है कि ये चमक नहीं रखते, है ना। जो पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं, जब साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहचानते थे, तो वो बच्चों ज़्यादातर इनकी चमक के हिसाब से पहचानते थे। क्यों, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं, मतलब मेटल्स के अंदर पाई जाती है लस्टर, चमक का, चमक पाई जाती है। तो क्या है कि ऑल मेटल्स आर लस्टरस, सभी मेटल क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है ना, सभी मेटल क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, मेटल चमकदार होते हैं, और इस चमक को कहा जाता है मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर कहा जाता है। ठीक है ना, इस चमक को क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात, यह कि सभी मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, चमकदार होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो एक क्या है हमारे पास, एक्सेप्शन है। ठीक है ना, याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, रट्टा मारो बढ़िया से, समझो बात को, कि जो लेड है, क्या चीज, लेड पीबी जिसको लेड कहा जाता है, ये चमकता नहीं है, ये मेटल है, लेकिन फिर भी इसका अपीयरेंस जो है वो कैसा होता है, डल होता है। मतलब डल समझते हो ना, यूं क्या अजीब सा, खुरदरा सा, चमकदार नहीं होता है ना, इस प्रकार का क्या होता है, इसका सरफेस होता है, डल सरफेस पाया जाता है किसका, मेटल्स का। मतलब मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर है। मेटल्स में हमने क्या पढ़ा कि सभी मेटल जो है वो लस्टर होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके, लेड को छोड़ करके। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉन मेटल्स की हम बात करें, नॉन मेटल्स ऑलमोस्ट क्या होते हैं, डल होते हैं। नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस, डल इन अपीयरेंस, दिखने में कैसे होते हैं, डल से होते हैं। ठीक है ना, डल इन अपीयरेंस, कि नॉन मेटल्स जो हैं वो शाइन नहीं करते, ये लस्टर नहीं करते, इनमें लस्टरस प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। लेकिन इनमें भी क्या है, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है ना, अब वो एक्सेप्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, और बोल रहा हूँ कि कॉपी पेन हाथ में रखो, लिखते रहो साथ के साथ। एक्सेप्शन क्या है नॉन मेटल में, नॉन मेटल में एक्सेप्शन है बच्चों, पहला आयोडीन। क्या बोला हमने, आयोडीन। आयोडीन क्या है, आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन, तो समझते हो ना कि सभी क्या होते हैं, डल सरफेस के होते हैं, लेकिन ये क्या है, चमकदार है, उल्टे काम है एक्सेप्शन के, विवाद जिनको कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि क्या है, आयोडीन है, और एग्जांपल की अगर हम बात करें अगले की, तो वो है आपके पास ग्रेफाइट। अगर हम कहें तो ग्रेफाइट जानते हो ना, जो पेंसिल के अंदर पाया जाता है, किसका, कार्बन का बना होता है। आफ्टर दैट डायमंड की बात कर लीजिए, ये ग्रेफाइट और डायमंड कुछ ना कुछ क्या रखते हैं, खुद की चमक रखते हैं, नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या करते हैं, चमकते हैं। एक चीज यहाँ पे नोट रखना आप, दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, दीज आर एलोट्रोप्स, एलो
ट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कार्बन के एलोट्रोप से हमारा मतलब है कि कार्बन के रूप हैं, अपर रूप हैं, कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स हैं। कार्बन फुल रिंग की फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन डायमंड, ग्रेफाइट सबकी फॉर्म में मिलता है आपको, काफ़ी फॉर्म्स में, तीन चार हैं। तो ग्रेफाइट और डायमंड क्या है? कार्बन के ही रूप हैं, नॉन मेटल हैं, लेकिन फिर भी क्या होती है इनके अंदर खुद की एक लस्टर होती है, चमक होती है। तो सेकंड पॉइंट था बच्चों हमारे पास किन के बारे में? मेटल्स की लस्टर के बारे में। तो आइए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ जो है हार्डनेस। अगला पॉइंट क्या है? हार्डनेस के बारे में। कभी ऐसा किया आपने कि लोहे को हाथ में लेकर के दबा करके देखा हो? कभी किया होगा, है ना, लोहा है, सोना है, चांदी है, क्या ईजिली क्या होते हैं कि ऐसे मतलब दबाया जा सकता है क्या इनको? नहीं होता ना। रीजन, क्योंकि ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा हमारे पास हार्डनेस के बारे में, ठीक है ना। तो क्या है? मेटल्स आर जनरली हार्ड, कि लगभग सभी मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, कि मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स नॉर्मली क्या पाए जाते हैं? हार्ड पाए जाते हैं। समझ में आई बात ये? लेकिन एक्सेप्शन कौन पढ़ेगा? हम ही तो पढ़ेंगे। हार्ड तो होते हैं, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि थोड़े से सॉलिड, ठोस टाइप के मिलते हैं आपको, सॉलिड हैं ये। तो एक बात और कि ये होते क्यों हैं? तो बेटा बात ये है कि मेटल, मान लो कि ये आपके पास एक एग्जाम्पल लिया, इसमें मेटल के अंदर क्या पाए जाते हैं? पार्टिकल्स पढ़े थे ना हमने, और इन पार्टिकल्स के बीच में लगती है फोर्स, ठीक है ना। पार्टिकल्स के बीच में क्या लगती है? फोर्स लगती है, और उस फोर्स को नाम दिया जाता है मेटालिक फोर्स। क्या बोलते हैं? मेटालिक फोर्स का नाम देते हैं। और याद रखना, ये मेटालिक फोर्स जो है वो कैसी लगती है? स्ट्रोंग लगती है, और स्ट्रोंग लगती है, पार्टिकल्स पास होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ये पॉइंट काफ़ी जगह आएगा। मेटालिक फोर्स के कारण क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स पास होते हैं, दूर नहीं जा सकते, दूर नहीं जाएंगे तो क्या, उबलेंगे नहीं जल्दी से, है ना, वेपर नहीं बनेंगे, तो इसी कारण है वो भी। मैंने यही बता दिया कि हार्डनेस किसके कारण है? मेटालिक फोर्स के कारण है, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक्सेप्शन करते हैं कि एक्सेप्शन हमारे पास क्या क्या हैं। तो देखिए ज़रा, अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो जो पहला एक्सेप्शन है बच्चों वो हमारे पास मरकरी है। अभी बात हुई थी लिक्विड है ना, हार्ड थोड़ी है। मरकरी क्या पाया जाता है? लिक्विड पाया जाता है। तो पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है? मरकरी। दूसरा एग्जांपल है बच्चों हमारे पास सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम एंड पोटासियम। और सोडियम और पोटासियम क्या पाए जाते हैं? सॉफ्ट सॉलिड है। क्या है बच्चों ये? सॉफ्ट, अकेला नहीं है, दोनों ही क्या हैं? सॉफ्ट सॉलिड है, मतलब सॉलिड तो हैं लेकिन क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना, हार्ड नहीं होते, इतने सॉफ्ट होते हैं कि कैन बी कट विद नाइफ, कि अगर हम इनको नाइफ, है ना, चाकू से भी काटें तो भी ये क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। तो एक्सेप्शन क्या थे? मरकरी है, लिक्विड है, ये दोनों क्या हैं? सॉलिड हैं लेकिन सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, और इनको चाकू से भी क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। समझ में आई बच्चों बात ये? तो हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे हार्डनेस के बारे में, कि मेटल जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। क्लियर है बात ये? आफ्टर दैट हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो बच्चों नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट ही पाए जाते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट। नॉन, NM लिख देता हूं मैं, समझ जाओगे ना, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल कैसे पाए जाते हैं? सॉफ्ट पाए जाते हैं, ठीक है, नॉन मेटल सॉफ्ट पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन हर एक में है, याद करने पड़ेंगे, बहुत हैं। तो एक्सेप्शन क्या है इसमें? विवाद है डायमंड। क्या है? डायमंड है, ठीक है ना। क्यों? डायमंड क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड क्या है? सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड किसको माना जाता है? डायमंड को माना जाता है। तो क्या लिखेंगे? हार्डेस्ट,
नोन मेटल एवर, हार्डेस्ट नोन मेटल एवर, या फिर एलिमेंट भी बोल दो कि इस ये सबसे ज्यादा क्या है, हार्ड एलिमेंट है, समझ में आई बात है। हालांकि ये क्या है, कार्बन का फोम है इसलिए तो नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि नोन मेटल होते तो सॉफ्ट हैं, लेकिन डायमंड को छोड़ करके जो कार्बन का बना हुआ है नोन मेटल है, लेकिन फिर भी क्या होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, हार्ड पाया जाता है। तो आई होप ये क्लियर होगा बच्चों। तो ये हमारे पास था थर्ड पॉइंट, जिसमें हमने पढ़ा नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है ना, हार्डनेस के बारे में। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। अब बात यह है कि सर ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो देखिए जरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आपको सॉलिड को लिक्विड बनाना है, इतना टेम्परेचर दें कि पार्टिकल्स इतने दूर हो जाएं कि वो सॉलिड से किस में बदल जाएं। नाइन्थ में पढ़ा था ना चेंज इन स्टेट, वही है ये। तो टेम्परेचर इतना दें कि वो क्या हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, या फिर लिक्विड को इतना टेम्परेचर दें कि वो वेपर बनाना क्या कर दे, शुरू कर दे, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। पिघलाने को क्या बोलते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उबालने को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, समझ में आई बात है, ठीक है ना। अभी बात की थी कि इनके बीच में लगती है मेटलिक फोर्स, कौन सी फोर्स लगती है, मेटलिक फोर्स लगती है। और ये मेटलिक फोर्स कैसी पाई जाती है, स्ट्रोंग पाई जाती है, कैसी पाई जाती है, स्ट्रोंग पाई जाती है। स्ट्रोंग मेटालिक फोर्स होने के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे को इजीली छोड़ेंगे नहीं, खींच करके रखते हैं। स्ट्रोंग मेटालिक क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, तो नो मेटल्स, कौन मेटल्स हैव हाई, ज़्यादा क्या होता है इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि इनका एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। एक्सेप्शन आ गया फिर से। अब लिक्विड तो याद होगा यार, अब तो पता चल ही गया होगा, काफी देर हो गई हम एक चीज के बारे में जिक्र करते, वो क्या थी, मरकरी थी। क्यों, क्योंकि मरकरी क्या है, लिक्विड है, और अगर मरकरी लिक्विड है तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। मतलब मेटल्स के जितना नहीं होगा बाकियों के, क्योंकि बाकी तो सॉलिड पाए जाते हैं, ये लिक्विड है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या मिलता है आपको, बाकी सॉलिड से कम मिलता है, बाकी मेटल से क्या मिलता है बच्चों, कम मिलता है। क्लियर है बात ये। तो आइए चलते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके बारे में नॉन मेटल्स के बारे में, तो नॉन मेटल का, नॉन मेटल्स जनरली हैव या नॉर्मली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या पाए जाते हैं, लो पाए जाते हैं, ठीक है ना, काफी कम पाए जाते हैं, ठीक है ना। किसको छोड़ करके, एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है इसमें, सिलिकन को छोड़ करके, उसके बाद बोरोन की बात करें तो सिलिकन, बोरोन और क्या, कार्बन, ये क्या है, तीन ऐसे चीज, तीन मेटल, नॉन मेटल हैं हमारे पास जिनका क्या होता है, हाई ही तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हाई क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा किसका होता है, सिलिकन का। अगर कोई आपसे पूछे कि एक ऐसा नॉन मेटल बताएं जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है या मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो वो कौन है हमारे पास, सिलिकॉन है, जो नॉन मेटल है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे क्या पाए जाते हैं, इनके ज्यादा पाए जाते हैं। तो आई होप ये क्लियर है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या थे, ठीक है ना। ये कौन सा था हमारे पास, फोर्थ पॉइंट था। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमने अभी किया है किनके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। इसमें हमने पढ़ा कि मेटलिक फोर्स, और ये तो समझ में आया होगा आपके। तो जो नेक्स्ट है बच्चों वो है हमारे पास डेंसिटी। अगला क्या है, डेंसिटी है। फिफ्थ पॉइंट है डेंसिटी। अच्छा, क्या मेटल्स हार्ड होते हैं, क्या मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हाँ बिल्कुल। अगर मेटल हार्ड होता है तो क्या होगा, डेंस भी होगा, सीधी सी बात है। मेटल्स आर डेंस, मेटल्स आर
डेंस। मेटल्स क्या पाए जाते हैं बच्चों? ज्यादा डेंस पाए जाते हैं, ज्यादा कठोर पाए जाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ किसको छोड़ करके? एक मरकरी को। एक्सेप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है एक्सेप्शंस? क्या है मेरे पास एक्सेप्शंस? क्या है? या तो मरकरी है जो लिक्विड है, या सोडियम है, या फिर क्या है? पोटाशियम है। सोडियम, मरकरी या फिर क्या है बच्चों हमारे पास? पोटाशियम है। ये क्या होते हैं? ये मेटल जो है वो हार्ड नहीं होते। क्यों? डेंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? सॉफ्ट पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? डेंस नहीं होते। समझ में आई बात ये? अच्छा, यहीं पर अगर हम किन के बारे में बात करें, जो नेक्स्ट है नॉन मेटल्स की डेंसिटी, तो नॉन मेटल जो है वो कम डेंस होते हैं, लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा कम पाई जाती है। किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट डायमंड। किसको छोड़ के बेटा? डायमंड, क्योंकि डायमंड तो हार्ड है, ये तो सॉफ्ट थे, सॉफ्ट हैं तो डेंस कम है। इधर भी ये क्या थे? सॉफ्ट थे, लिक्विड था, तो डेंस क्या है? कम है। लेकिन आप मरकरी चाहे यहाँ ना भी लिखें, क्योंकि डेंसिटी सॉलिड की बात होती है, ठीक है ना। ये कौन सी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, तो चाहे इसको आप काट भी दें। एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड क्या होता है? सबसे ज़्यादा हार्ड है। अगर हार्ड है तो क्या होगा? तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्लियर? तो ये था बच्चों हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, जो किसके बारे में था? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डेंसिटी के बारे में। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। सिक्स्थ पॉइंट लेते हैं बच्चों हम, डक्टिलिटी। अब ये नई चीज़ आई है, डक्टिलिटी क्या होती है? ध्यान से समझना डक्टिलिटी क्या होती है। अब मैंने कहा कि मैं किसी मेटल, मान लीजिए पॉलीथीन खींचता हूँ, काफ़ी खींच लेता हूँ, टूट जाता है। क्लियर? अच्छा, मैंने क्या किया, मैं मेटल्स की बात कर रहा था। क्या आपने कभी मेटल की कोई तार बनी देखी है? हाँ बिल्कुल, कॉपर की तार देखी है सर हमने, खंभों के ऊपर लगी हुई, टावर्स के ऊपर लगी हुई। हमने सिल्वर की वायर्स देखी है, इसकी सोने की, गोल्ड की भी क्या की जाती है? वायर्स बनाई जाती है। और क्या आयरन की भी, क्या सरिया जिसको बोलते हैं ना, रोड बनाई जाती है, आयरन की रोड। तो इसका मतलब क्या है कि डक्टिलिटी क्या है? कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है, यह मेटल्स की क्या है? एक प्रॉपर्टी है कि इनको एक पतली तार बनाया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए जरा, कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, ऑफ ए मेटल छोड़िए, एलिमेंट लिखिए, दैट इट कैन बी ड्रोन, इट कैन बी ड्रोन इनटू थिन शीट्स, इनटू थिन, सॉरी लॉन्ग वायर, इनटू लॉन्ग वायर। कि एक मैटर की क्या है, किसी एलिमेंट की है, वो प्रॉपर्टी है जिसे हम मैटर को क्या कर सकते हैं, एक लंबी तार में बदल सकते हैं, इज नोन एज डक्टिलिटी। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? डक्टिलिटी बोलते हैं। क्लियर है बात ये? अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये एग्जांपल है, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि गोल्ड का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपके पास क्या है, 1 ग्राम गोल्ड है, तो ठीक है ना, आप इस 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। देखो कितनी, कितना ज़्यादा डक्टाइल है। सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है? गोल्ड, या फिर क्या आता है, सिल्वर, क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। फिर तार तो कॉपर की भी बन सकती है, आयरन की भी बन सकती है। तो इसका मतलब बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, मेटल हैं, जो क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक्सेप्शन तो आप जानते हो, वो क्या है, मरकरी है सर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है, हम उसकी वायर नहीं बना सकते। मरकरी क्या है, लिक्विड है, हम उसकी वायर नहीं बना सकते, तो एक्सेप्शन हो गया हमारा मरकरी, ठीक है ना। तो क्या देखा हमने, हमने ये देखा कि मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं, ये बात लिख लेना। सो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब तार बना सकते हैं, लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इनको। क्लियर? अच्छा, इसके बाद बारी आती है किनकी, नॉन मेटल्स की। जहां पर मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चों? नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर
नोट डक्टाइल, गैस की कभी तार बनी देखी है क्या आपने? हीलियम की कोई तार, मतलब क्लोरीन की, फ्लोरीन की, ये नॉन मेटल ही तो है ना, तो क्या आपने कोई गैस की तार बनी हुई देखी है, वायर में देखा है कभी? नहीं ना, क्योंकि ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते। एक चीज़ और है, वो क्या है बोल दो जी, का एक्सेप्शन है, इतने एक्सेप्शन माना बताओ जी, का याद नहीं होंगे ना, कि जो एक्सेप्शंस हैं वो हैं बेटा कार्बन फाइबर। क्या हैं? कार्बन फाइबर, नई खोज है ये, वैसे अभी की बात है, इन्हीं कुछ सालों की। आजकल क्या है कि कार्बन के तार बनाए गए हैं, कार्बन के क्या बनाए गए हैं, तार, जो सिग्नल को सेंड करने में, जैसे कि जो मरीन लाइफ के अंदर क्या होते हैं, मतलब जो पानी के अंदर, समुंदर के अंदर नेटवर्क की है ना, इंटरनेट कनेक्शन जिनको बोलते हैं, जिनकी जो वायर्स बनाई जाती है वो किसकी बनी होती है, कार्बन फाइबर की वायर होती है, ठीक है ना। अब कार्बन फाइबर क्या है, तार बनती है, नॉन मेटल है लेकिन फिर भी डक्टाइल है, इसलिए ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो आप इनको नोट कीजिए आसानी से, बढ़िया से, कि डेंसिटी क्या है और डक्टिलिटी के अंदर हमने क्या डिफरेंस देखा है, ठीक है बच्चों। एक और था इसका एग्जांपल, मरकरी का टंगस्टन। टंगस्टन तो है सच में, जो बल्ब में यूज करते हैं ना हम, क्या होता है वो डक्टाइल होता है, उसकी क्या बनाई जा सकती है, वायर बनाई जा सकती है, ठीक है ना, टंगस्टन की। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हमारे, तो सिक्स तक हो गए, हमारा जो अगला पॉइंट है बच्चों वो है मैलिएबिलिटी। अब फिर से एक नया नाम, फिर से नई चीजें। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट नंबर 7, मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या होती है, कभी आपने देखा है कि आप लोहे को पीट रहे थे, एल्यूमिनियम की चादर को, मतलब एल्यूमिनियम को पीट रहे थे, इतनी चौड़ी को पीट पीट कर आप उसको क्या कर देते हो, बिल्कुल पतला सा बना देते हो, है ना। इसका मतलब लोहे की हम क्या कर सकते हैं, एक चादर सी बना सकते हैं, थिन शीट बना सकते हैं, क्या करके, हैमर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से उसको क्या करके, पीट करके उसको शीट में बदला जा सकता है। और ये खासियत सिर्फ किन में पाई जाती है, मेटल्स में पाई जाती है, लेकिन फिर भी मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ एक बार, दोज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, ये इनकी डेफिनेशन है बच्चों, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दैट दे कैन बी, एलिमेंट्स कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड इंटू, किस में बदले जा सकते हैं, थिन शीट्स, इंटू थिन शीट्स, ठीक है ना, किस में बदल सकते हैं, थिन शीट्स में बदल सकते हैं, आफ्टर बीटिंग देम, पीट करके, है ना, आफ्टर बीटिंग देम विद एन हैमर, किसकी मदद से, किसी हथौड़े की मदद से पीट करके अगर हम उनको क्या कर दें, पतली सी चादर बना दें, थिन शीट बना दें, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जा सकता है, मैलिबिलिटी बोलते हैं। तो क्या मैलिबिलिटी होती है क्या मेटल में, बिल्कुल होती है सर, तो मैं हम क्या बोलेंगे, मेटल्स आर क्या होते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, मैलिएबल होते हैं, ठीक है ना, मेटल्स आर मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब क्या है, उनको शीट में बदला जा सकता है, मेटल्स आर मैलिएबल। अब एक्सेप्शन तो मैं क्या बताऊँ आपको, वही हैं, ठीक है ना, सभी मेटल क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात कर लीजिए, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो आयरन है ना बनती है, कॉपर की भी क्या बनती है, शीट बन सकती है, एलुमिनियम की क्या, पतली पतली चादर बनाई जा सकती है, बहुत पतली होती है। उसके बाद क्या है हमारे पास, गोल्ड है, और क्या है बच्चों, सिल्वर है, गोल्ड सिल्वर, इन सब चीज़ों की हम क्या कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं। एक्सेप्शन देखिए क्या है, वही चलते आ रहे हैं सर। एक तो हम सोडियम की नहीं बना सकते क्योंकि सॉफ्ट होता है, पतला सा होता है ना, वैसे ही सॉफ्ट होता है नोट, पतला सा। पोटाशियम की नहीं बना सकते, मरकरी की क्या नहीं कर सकते, शीट नहीं बना सकते। एक नया एग्जांपल और देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जिंक। अभी बताऊँगा क्यों नहीं होता, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पूछ लिया जाता है कि क्या जिंक मैलिएबल है, हम बोलेंगे जी हाँ है, लेकिन जिंक मैलिएबल नहीं है। बोलोगे सर कॉपर है तो जिंक भी होना चाहिए, क्यों नहीं होता, आइए हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, मेटल्स मैलिएबल होते हैं, क्या होते हैं, मेटल्स मैलिएबल होते हैं, लेकिन बच्चों जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल नहीं होते। तो क्या लिखेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, बात खत्म, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल,
ये मेलिएबल नहीं होते, इनको शीट में नहीं बदला जा सकता, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं वो क्या है। तो 7 पॉइंट बच्चे हमने कर लिए अभी। ठीक है ना, इसके बाद जो है वो हम क्या किनके बारे में बात कर रहे थे। हाँ, जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला था वो है अगला पॉइंट बच्चों, 7 कर लिए ना, तो 8th पॉइंट हमारे पास है ब्रिटलनेस। अब ये क्या चीज होती है ब्रिटलनेस, भंगुरता, समझते हो भंगुरता। कभी ना आप यूं करना, नमक को हाथ में लेना और नमक को ना यूं करना, वो छोटे छोटे क्या हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है, होता है कि नहीं होता। मतलब छोटे छोटे उसके क्या बन जाते हैं, पार्टिकल से बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो क्या है, ब्रिटल है। वो क्या है, ब्रिटल है। तो ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है कि फोर्स लगाने पर पार्ट्स में क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, फोर्स लगाने के बाद में क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, ब्रेक हो जाना, क्या होता है ऐसा, इसको ब्रिटलनेस कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों उनको, ब्रिटलनेस बोलते हैं। तो कभी क्या लोहे को और इन जैसी चीज़ों को कभी यूँ हाथ लगा करके टूट करके, कभी मान लो आपके पास, मैं ये बोलता हूँ कि लोहे की ये स्ट्रिप है, इसको अगर आप क्या करते हो, यूँ मोड़ते हो, तो वो क्या हो जाती है, यूँ बेंट हो जाती है ना, टूटती थोड़ी ना। जैसे पेंसिल की बात कर लो आप, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट पाया जाता है, अगर आप उसको यूँ बेंट करते हो, क्या वो मुड़ जाता है, नहीं ना। क्यों, क्योंकि वो नॉन मेटल है। तो इसका मतलब क्या कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल नहीं होते, वो टूटते नहीं हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, क्या पॉइंट है हमारे पास, मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, मेटल्स जो हैं वो ब्रिटल नहीं होते, ठीक है ना, समझ में आई बात। ये किसको छोड़ करके, अभी जिंक का एग्जांपल मैंने बताया कि जिंक की मैं शीट नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि जिंक ब्रिटल होता है। जब भी मैं शीट को हथौड़े से उसको पीटूंगा ना, तो वो शीट नहीं बनेगा, वो टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक क्या होता है, ब्रिटल होता है। तो एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो एक्सेप्शंस में क्या आएंगे, पहले तो मैंने जिंक ही लिख दिया, क्या है, जिंक। फिर क्या है, जिनकी शीट नहीं बनती सर, पोटाशियम की नहीं बनती, सोडियम की नहीं बनती, मतलब सोडियम पोटाशियम मरकरी, ये वो मेटल हैं जिनकी शीट नहीं बनाई जा सकती, बाकी सभी की बनाई जा सकती। क्या बोला, ये वो हैं, सॉरी हम तो ब्रिटलनेस पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ क्यों आ गए कि मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल नहीं होते, वो बेंड हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं जो बेंड नहीं होता, जिंक नहीं होता, सही थे वो, सोडियम नहीं होता, पोटाशियम नहीं होता, मरकरी नहीं होता, ये वो मेटल हैं जो क्या होते हैं, टूटते नहीं है ना, टूटते नहीं है, ब्रिटल नहीं होते। तो ये ब्रिटल के क्या थे हमारे पास, कुछ एग्जांपल थे। तो मरकरी जो, जिंक जो है वो आपके पास क्या है, एक्सेप्शन है। तो आई मेरा, मेरे को लगता है यही रखो आप, एक जिंक ही रखो, क्योंकि वो तो सॉफ्ट है ना, शीट का सोचते ही नहीं हम उनका, तो सोडियम और पोटाशियम का। तो अगर मैं जिंक की क्या करूँ, शीट बनाता हूँ तो नहीं बनती, क्यों, ब्रिटल है ये, समझ में आई बात ये। तो चलिए देखिए आगे, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स क्या हैं, ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, ब्रिटल होते हैं। मतलब यूं टुकड़ों के अंदर टूट जाते हैं, फोर्स लगाने पर, मोड़ने पर टूट जाते हैं ये, ठीक है ना। किनको छोड़ करके, एक्सेप्ट किनको, गैस को छोड़ करके। कभी गैस कौन सी, नोबल गैस ले लो आप, हीलियम, नियॉन, कोई भी गैस ले लो यार, सभी गैसेस को छोड़ दो, बाकी सारे क्या नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। पार्टिकल्स के अंदर ये क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, टुकड़ों के अंदर क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये तो क्लियर होगा, इतनी सब चीज़ें तो है ना। तो बाकी जो है वो हम अब तक इसके अंदर क्या कर चुके हैं कि हमने 8 पॉइंट्स जो हैं वो किए हैं। अब हमारे पास 4-5 पॉइंट और बचते हैं, जो नॉर्मली इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज से भी रिलेटेड हो सकते हैं। एक कंडक्शन का बचता है, एक हमारे पास टाइप जो है वो इनके आयंस का बचता है। एक चलिए और कर लेते हैं पॉइंट, 8वां 9वां पॉइंट कर लेते हैं। देखिए क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो 9th पॉइंट है वो क्या है, 9th क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी
ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की हमें कंडक्टिविटी की बात करनी थी, ठीक है ना। अब क्या था, नॉन मेटल्स वो थे जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। कंडक्टिविटी तो समझते हो ना, पहले ये बताओ कि कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कि जैसे मैं ये बोलूँ, मैंने यहाँ पर एक वायर लगाया दूसरी तरफ से, अगर करंट आता है इस पॉइंट पर, अगर इसमें से पास हुआ तो ये कंडक्टर है, नहीं हुआ तो इंसुलेटर है। जैसे ये तो इंसुलेटर है, लोहे की होती तो करंट पास हो जाता। इसका मतलब वो प्रॉपर्टी जो क्या करते हैं, करंट को और हीट को आगे की तरफ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल क्या करने की, फ्लो की, किसके फ्लो की बच्चों, फ्लो ऑफ किसका, हीट एंड करंट या इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, करंट के मतलब क्या, करंट आई वाला करंट है ये, ठीक है ना। वैसे तो करंट और होते हैं काफ़ी टाइप के हैं, कंडक्टिविटी का मतलब है कि फ्लो होना, ठीक है। तो क्या मेटल में से करंट पास होता है, क्या मेटल में से हीट पास होता है, हाँ बिल्कुल। गर्म कर लो, आप घरों के अंदर देखा होगा चाय वाय बनाते टाइम ना, पूरा का पूरा जो हमारा पतीला है उसकी वो डंडी होती है ना, अगर वो जिस सिल्वर की बनी होती है, वो भी थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें भी क्या हो गई, हीट ट्रांसफर हो गई, जहाँ से गर्म किया था उससे उस पार्ट में भी क्या हो गई, वो ट्रांसफर हो गई, समझ रहे हो बात है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जरा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स क्या होते हैं, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट के भी होते हैं एंड और किसके बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज याद रखना, ये किसके कारण होता है, इट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन सरफेस ऑफ मेटल, ऑन सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सरफेस पर, वो इलेक्ट्रॉन आगे से आगे क्या करते हैं, इन चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, फ्लो करवाते हैं वो इनका। तो इसका मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है, पॉसिबल हो पाता है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेटल के अंदर क्या है, किनके कारण है और क्यों है और किस प्रकार की कंडक्टिविटी इनकी होती है। अगर एक्सेप्शंस की बात करें कि किनको छोड़ करके, मरकरी ले लीजिए आप, कारण बताओ, क्योंकि मरकरी है लिक्विड, क्या है, लिक्विड, है ना, किया था तो मरकरी एक एग्जांपल, टंगस्टन बढ़िया रहेगा, लिक्विड को छोड़िए आप, टंगस्टन लीजिए आप, इसमें वो क्या है, टंगस्टन ना पता होगा आपको, बल्ब के अंदर हम फिलामेंट के तौर पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सर बोलो कि सर वो तो क्या करता है, फ्लो करता है ना, लेकिन हीट का इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, रेजिस्टेंस, दोनों का ही करता है, रेजिस्टेंस होती है, सीधी सी बात है, इसमें क्या होती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रोकता है, करंट को पास नहीं होने देता, बहुत ज़्यादा क्या होती है इसकी, रेजिस्टेंस होती है, किसकी, टंगस्टन की, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स भी क्या होते हैं, देखिए नॉन मेटल्स के बारे में, कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बढ़िया नहीं होते, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ किसके बच्चों, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है ना। एक्सेप्शन आएगा, क्यों नहीं आएगा, हर एक में आता है, किनको छोड़ करके। एक मैंने कार्बन फाइबर का जिक्र किया, याद है, कार्बन फाइबर का, वो क्या होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। एक हम बात करें अगर किसकी, ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, समझ में आई बात ये। अच्छा वहीं पर डायमंड की बात कर लो, अजीब बात देखो ये, डायमंड भी कार्बन का है, ग्रेफाइट भी कार्बन की है, डायमंड में से करंट पास नहीं होता, बैड कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन वहीं पर ग्रेफाइट में से हो जाता है, क्यों,
स्ट्रक्चर, पढ़ेंगे इसके बारे में कि इन दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसके कारण ऐसा हो पाता है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो हमने बच्चों अब तक किया है कि जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स और क्या हैं, नॉन मेटल्स जो हैं, इनमें फिजिकली हमने कुछ डिस्टिंक्शन किए हैं। इसके बाद हम तीन चार पॉइंट जो हैं वो और करने वाले हैं, जो हम हमारी कल की वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए बस इतना है। इनके नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, ताकि जब हम 11th और 12th क्लास की साइंस की क्लासेज अगर हम पढ़ें तो उनमें हमें ये फ़ायदा मिले कि ज़्यादा टाइम हमें ना लगे बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, और पीछे का जो बेस है वो हमारा क्लियर भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा, तब तक ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।